Hello, students. I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So, today's topic is early man. Learning topics early man, foods of early man, clothes of early man, tools of the early man, discovery of fire. Early man humans are the most powerful beings on earth this is so because man can think and act while animals cannot man can make things he can pass on his knowledge and skills to others early man was very different from the modern man his food habits clothes and tools were crude तो आपके जो अर्ली मेंस थे और करंट सिनेरियो में आप जो ह्यूमन बीइंग्स देखेंगे उनकी फूड हैबिट्स में रहने सहने के तरीके में जमीन आसमान का डिफरेंस था Foods of early man. Early man lived in forests and caves. He ate raw fruits. फ्लैश ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एट दैट टाइम ही डि नॉट नो हाउ टू कुक फूड ही यूज टू ईट वॉज अवेलेबल इन द जंगल ही है पहले के जो लोग थे अर्ली मैन जो थे वो जंगलों में रहा करते थे शिकार करके खाया करते थे और कच्चा सामान ही खा जाते थे क्योंकि क्यों उस टाइम पे इनको आग के बारे में नहीं पता था किस तरीके से खाना पकाया जाता है वो भी नहीं पता था तो जंगल में जो चीज जिस तरीके तरीके से मिलती थी ये उसको उसी तरीके से कंज्यूम कर लेते थे क्लोथ्स ऑफ अर्ली मैन The early human beings did not cover their bodies with anything. In winters, they lived inside the caves to protect themselves from the cold. तो पहले के जो लोग थे early human beings जंगलों में रहा करते थे वो गर्मियों में कुछ पहनते ही नहीं थे और सर्दियों में गुफाओं में रहते थे खुद को सर्दी से बचाने के लिए One day they learned to take out the skin of the dead animals and used it to cover their bodies to protect themselves from the cold. और एक बार उन्होंने सीखा कि किस तरीके से मरे हुए जानवरों की स्किन को निकालते हैं और फिर उसी को उन्होंने लपेटना शुरू कर दिया अपना तन ढकने के लिए नॉलेज कॉर्नर दिओलियलोथ क्रूड एंड अनस्टिच्ड जो पहले के कपड़े हुआ करते थे वो बहुत ही रॉ हुआ करते थे और सिले हुए नहीं हुआ करते थे टूल्स ऑफ दैन इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ऑली ह्यूमन बींग्स टू किल एनिमल्स विदाउट एनी वेपन्स दे यूज स्टोन्स फॉर हिटिंग एनिमल्स टू किल दैम पहले के जो लोग थे वो अलग अलग वेपन उनके पास नहीं हुआ करते थे कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते थे वो हंट करने के लिए They searched for stones which were easy to cut. They also learned to make tools with bones. Thus, as time passed, there was a great improvement in the quality of tools used by the early man. धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से बनाना शुरू करा पत्थरों को तोड़ के अलग अलग वेपन्स की शेप बनाई उसके बाद उन्हें हड्डियों से भी अलग अलग टाइप के वेपन्स कैसे बनाए जाते हैं उनको पता चलने लगा जो कि काफी ग्रेट इन्वेंशन हमारे लिए साबित हुआ They learned to use sharp and pointed wooden sticks to kill even the bigger animals. They made spear by tying a sharp stone to the branch of a tree.

इट, इन दे प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स फिर धीरे धीरे इन्होंने आविष्कार किया आग का दोनों पत्थरों को घिस के इन्होंने आग निकाली उसमें सूखे पत्ते डालते रहे जिसकी मदद से आग जलती रही और ये जानवरों से अपना बचाव करते रहे

फिर एक दिन उसी आग में एक रॉ फ्लेश गिर गया और वो फ्लैश रोस्ट हो गया उन्होंने जब वो खाया तो वो उनको रॉ फ्लैश से ज्यादा अच्छा टेस्टी और सॉफ्ट लगा और इस तरीके से इन्वेंशन हुआ खाने को किस तरीके से पकाया जाता है नॉलेज कॉर्नर द डिस्कवरी ऑफ फायर इज बिलीव टू टेक प्लेस अबाउट थ्री लाख टू फोर लाख अगो, तो आपकी जो फायर की डिस्कवरी है माना जाता है कि आज से तीन से चार लाख पहले करी गई थी The discovery of fire made their life safer and more comfortable. Later on, humans discovered the technique of farming and started living a settled life. We will learn more about this in detail in our next chapter. उसके बाद धीरे-धीरे जो human beings थे वो settle होने लग गए, एक जगह पे रुकने लग गए, farming करने लग गए और इस तरीके से early human being का evolution हुआ.

जब उनको पता चला किस तरीके से डेड एनिमल्स की स्किन निकाली जाती है उन्होंने अपना स्किन कवर करना शुरू करा आग जो फायर थी उसको डिस्कवर किया खाने को पकाना शुरू किया सेटल लाइफ स्टार्ट करी और फार्मिंग के साथ-साथ अपना जो ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ था उसको इवॉल्व करा सो स्टूडेंट्स हियर कम्स एंड ऑफ दिस चैप्टर इसकी जितनी भी एक्सरसाइजस हैं वो आपको खुद से करनी है